महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप, अभी तक मुंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं। मुंडे पर लगे आरोपों को एनसीबी प्रमुख शरद पवार ने गंभीर बताया, लेकिन मंत्री पद पर बने रहेंगे मुंडे। ये बातें परस्पर विरोधी लग रही हैं, लेकिन इस मामले में अब तक बात यहीं तक पहुंची है और इसलिए बीजेपी शरद पवार को घेरने की कोशिश कर रही है और आरोप लगा रही है कि वो धनंजय मुंडे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री की माने तो ये सच नहीं है। उनका कहना है कि चाहे मंत्री हो या अधिकारी, कानून से बड़ा कोई नहीं। उनसे पूछा गया कि आखिर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है। अनिल देशमुख ने सफाई दी है कि पुलिस अपना काम कर रही है, उसे जांच की पूरी आजादी है और वो उचित समय पर उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच जारी है। आपको बता दें कि मुंबई की रेणु शर्मा ने आरोप लगाया है कि धनंजय मुंडे 2007 से उनका बलात्कार कर रहे हैं। मुंडे ने इन आरोपों को गलत बताते हुए इसे ब्लैकमेल की कोशिश करार दिया है। मुंबई की एक गायिका रेणु शर्मा ने धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर धनंजय मुंडे ने अपनी सफाई में स्वीकार किया है कि वो इस गायिका की बहन करुणा शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे, जिससे उनके दो बच्चे हुए। मुंडे का ये बयान आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया। गुरुवार को पवार ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, गृह मंत्री अनिल देशमुख और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल के साथ पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर पर बैठक की थी। पवार ने आरोपों को गंभीर बताया, लेकिन तभी मामले में ट्विस्ट आ गया। कुछ बीजेपी और शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया है कि मुंडे पर आरोप लगाने वाली महिला ने उन्हें भी तंग किया था। इससे मुंडे के इस दावे को बल मिला कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता कृष्णा हेगड़े ने बताया कि पिछले कई सालों से वो महिला उनके पीछे लगी हुई है और उसकी मंशा ब्लैकमेल ही है, लेकिन उन्होंने उसे अपने पास नहीं फटकने दिया। देखिए, 2010 से ये महिला जो है रेणु शर्मा, वो मेरे पीछे लग रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि एक रिलेशनशिप हमारे बीच में होना चाहिए। मैंने हमेशा उसको अवॉइड किया। मैंने जो है उसके रेपुटेशन के बारे में लोगों को पूछा तो थोड़ा ड्यूबियस रेपुटेशन था, तो मैंने टोटली उसका 100% अवॉइड किया। इसके बाद एमएनएस नेता मनीष धुरी भी पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत की कि रेणु शर्मा उन्हें भी ब्लैकमेल कर रही है। महिला के बारे में इस खुलासे के बाद ये तय हुआ कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक मुंडे को मंत्री पद से नहीं हटाया जा सकेगा। जाहिर है, धनंजय मुंडे के लिए ये बड़ी राहत है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, वो मंत्री बने रहेंगे। बीजेपी इस पर काफी हमलावर है। उसका कहना है कि मुंडे को मंत्री पद से नहीं हटाना शर्मनाक है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मांग की है कि इस मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। इधर एनसीपी के ही दूसरे मंत्री नवाब मलिक भी विवादों में हैं। उनके दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। बांद्रा में ड्रग्स की बरामदगी के मामले में करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद समीर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले को बीजेपी ने उतना तूल नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है कि शरद पवार ने भी नवाब मलिक को क्लीन चिट दे दी है।